ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा नेता लगातार भाजपा की फजीहत करवा रहे हैं, जिसके चलते भाजपा के चुनावी दौर में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने गाली निकालकर और राधास्वामी अनुयायियों पर टिप्पणी कर बवाल खड़ा कर दिया था। ये मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सतपाल सत्ती ने सोनिया गांधी पर फिर से टिप्पणी कर मामले को फिर से तूल दे दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा सोनिया गांधी पर फिर से टिप्पणी करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मीडिया में आकर अपने नेताओं को संयम रखने की सलाह दी। लेकिन आज भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रितु सेठी ने सोलन में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान बयान दिया है और उसमें भाजपा की दिक्कतों को और बढ़ा दिया है, जिसमें उन्होंने देश की महिलाओं से आह्वान किया है कि वह महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के चलते चुनावों का बहिष्कार करें। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए भाजपा प्रवक्ता रितु सेठी ने कहा कि आज देश में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और ज़्यादातर टिप्पणियां महिलाओं पर की जा रही हैं। उन्होंने दुख जताया कि जहां एक ओर देश में आधी जनसंख्या महिला की है, वहीं देश में सरकार के निर्माण में अहम रोल रखती हैं, आज उसी महिला को राजनेता शर्मसार कर रहे हैं। इसलिए वे आह्वान करती हैं कि देश की महिलाएं अपने अपमान के चलते चुनावों का बहिष्कार करें। उनसे जब प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के ऊपर कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो अभद्र टिप्पणियां करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी से संबंध क्यों न रखता हो। कोई भी अगर इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो उस पर कार्रवाई, मैं तो कहूंगी कि कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। अपनी भाषा पर तो लगाम होना चाहिए कि हमने अगर किसी भी पार्टी, मैं इसमें मतलब ये कह रही हूँ कि कोई भी पार्टी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और खासकर जो महिलाओं के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करें। हम आदि आबादी हैं, हम महिलाओं को एकजुट होकर, मैं तो कहती हूँ, चुनाव का दरकिनार कर देना चाहिए, वोट ही नहीं डालनी चाहिए अगर वो अपनी भाषा के ऊपर महिलाओं के प्रति मान सम्मान नहीं रखते हैं। एक तरफ तो हम देवी पूजा करते हैं, 9 दिन हम नवरात्रे रखते हैं और कंजकों का पूजन करते हैं, और दूसरी तरफ हम महिलाओं का अपमान करते हैं।